नमस्कार दोस्तों, आपका वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ, चैनल में भी आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करते वक्त हमें बड़ी परेशानियाँ होती हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में कौन सा पसंद है, तो सबके मुँह से एक ही बात निकलती है, डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन एक ऐसी क्या चीज़ है जो इंटीग्रेशन हमको पसंद नहीं है, या इंटीग्रेशन करना हमें पसंद नहीं है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं, और मैं कहता हूँ कि ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ने के लिए ये टूल्स बहुत बहुत सुंदर टूल्स हैं। उनमें बीटा गामा फंक्शन है और जाना जाने कितने टूल्स हैं। उनमें से कोई एक टूल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टूल का नाम है डिरिचले इंटीग्रल। ये एक ऐसा टूल है कि हम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन कहीं नहीं होगा। विदाउट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ अप्लाई होता है, इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, डिरिचले इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन में या डबल इंटीग्रेशन में अप्लाई हो सकता है। तो हम उस पहले तो डिरिचले इंटीग्रल को एस्टेब्लिश करेंगे और फिर उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो जो आपको बोर्ड पर पुराना ये दिख रहा है लिखा हुआ, ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है कि हमें प्रूव करना है डबल इंटीग्रेशन एक्स टू एल माइनस वन वाई टू एम माइनस वन डी एक्स डी वाई। यदि इस टाइप का इंटीग्रेशन है तो उसकी वैल्यू गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन। दोस्तों, आप गामा हमारे प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, जिनमें हमने बीटा और गामा के बहुत बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसकी कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली हमने सीखा था। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आप बीटा और गामा का ज्ञान रखते होंगे, ऐसा मानते हुए मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो ये वैल्यू डबल इंटीग्रेशन अंडर द रीजन डी एक्स टू एल माइनस वन वाई टू एम माइनस वन डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन इन टू ए टू दी आर एल प्लस एम, वेयर डी इज़ द डोमेन एंड दिस एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव एंड एक्स प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू ए। एंड इसी का ही एक एडवांस्ड पार्ट या नेक्स्ट जो पार्ट है कंटिन्यूएशन में, वो ये है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए एक्स टू एल माइनस वन वाई टू एम माइनस वन जेड टू द एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड, थ्री वेरिएबल्स के लिए गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। यही वैल्यू आपकी एन वेरिएबल्स के लिए भी हो सकती है, वही उसी फॉर्म में चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर वी रीज़न ऐसा है जहाँ एक्स वाई जेड नॉन निगेटिव एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस और इक्वल वन। यदि इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है, ना तो ए ना बी। अब हम सीखते हैं कि आता कैसे कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व। हो सकता है कि ये आपके सिलेबस के पार्ट से बाहर लगता हो आपको, या फिर ऐसा लगता हो कि ये तो ज़रूरत नहीं, हमें तो क्वेश्चंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना होगा आपको क्वेश्चन से पहले, क्योंकि हमें ये सब कंसेप्ट यदि सीख लेंगे तो शायद क्वेश्चन और अच्छे से समझ आए। तो आइए ज़रा इसके बारे में सीखते हैं। वी हैव एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल टू है। दोस्तों, हमें ये गिवन है, पहले हम ए पार्ट लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल टू है, तो हम बोल सकते हैं एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर ए लेसर इक्वल टू वन। अब एक्स ओवर ए है और वाई ओवर ए है, ये लेसर इक्वल टू वन है, तो इस तरीके की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक्स ओवर ए को यू एज्यूम कर लिया, और जब एक्स ओवर ए को यू लेंगे और वाई ओवर ए को हमने वी ले लिया, तो यहाँ से एक्स ए यू आएगा, वाई ए वी आएगा, डी एक्स ए डी यू डी वाई ए डी वी। ओके, अब हमने ये सब वैल्यू इसमें जो हमारे इंटीग्रेशन था आई इक्वल्स टू एक्स टू दर एल माइनस वन वाई टू दर एम माइनस वन डी एक्स डी वाई यदि दिया है, तो एक्स की जगह ए यू रखा, डी वाई की जगह ए वी रखा, डी एक्स की जगह ए डी यू डी वाई की जगह ए डी वी, ये सब पुट कर लिया। देखिए, ए एंड ए ए स्क्वायर है, एंड ए टू दर एल माइनस वन ए टू दर एम माइनस वन एल प्लस एम माइनस टू एंड प्लस टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एल टू द एल प्लस एम रहा ए टू द पावर में, ये यहाँ आ गया। u to the r l minus 1, v to the r m minus 1, d u d v ये लिख दिया। एंड u प्लस v, जब हम यहाँ पर इसको u इसको v ले रहे थे, तो u प्लस v लेस और इक्वल टू 1, एंड वेयर u एंड v आर नॉन नेगेटिव। ओके दोस्तों, एक बात है, u और v नॉन नेगेटिव हैं, और आपका x ये जो u प्लस y लेस और इक्वल 1 है, ज़रा इसको हम इस पे देखते हैं ग्राफ पे। ये आपका u एक्सिस, ये v एक्सिस, यहाँ पर आप जानते हैं ये जो लाइन है ये u प्लस वी लेस और इक्वल टू वन है, मीन्स यू प्लस वी इज इक्वल टू वन वाली लाइन, और इससे नीचे वाला एरिया वो लेस देन वन होगा। तो कैसे पता चलता है कि ये है, आप भी देख लीजिएगा, यदि हम v जीरो रखते हैं तो u वन होगा, ये रहा, यदि u जीरो रखते हैं तो v वन होगा, ये क्वेश्चन बन गई, ये लाइन बन गई बहुत ईजीली। आप स्ट्रिप चाहे ये बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, डबल इंटीग्रेशन मल्टीपल इंटीग्रल में हम पढ़ते थे, जो है आपने इससे पहले पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पर हम इस स्ट्रिप को लेते हैं, तो v यहाँ से ज़ीरो से लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये y v
जब u एक्सिस है तो v ज़ीरो होगा और यहाँ पर v की वैल्यू 1 माइनस u होगा। तो लिमिट जो हम लेंगे v की 0 टू 1 माइनस u, एंड द वैल्यू ऑफ u ये 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, तो u की वैल्यू ये u है, u इज इक्वल टू 0 से 1। मेरी बात को आप दोबारा से देख सकते हैं, जो इतना मैंने बोला उसको दोबारा से सुन सकते हैं आप, बार बार बोलना सही नहीं है। अब दोस्तों ये देखिएगा, ये तो लिमिट थी हमारे पास, मैं अभी इसका इंटीग्रेशन यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि इंटीग्रेशन नेक्स्ट में होगा, ये तो डी यू डी वी ही रखेंगे हम। अब यहाँ इंटीग्रेशन लेते हैं, ये a टू दी पावर l प्लस m है, होप आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, 0 टू 1 u टू दी पावर l माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ v v टू दर m ओवर m एंड लिमिट ऑफ दिस 0 टू 1 माइनस u, दिस इज सो 1 माइनस u हो गया। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर u टू दी पावर l माइनस 1 है, 1 अपॉन m यहाँ नीचे ले आए, एंड v जो था हमारा, जो v है वो 1 माइनस यू है क्योंकि लिमिट रखा ना 0 से 1 माइनस, जब 0 रखोगे तो 0 ही होगा, बट v को 1 माइनस यू रखोगे अपर माइनस लोअर, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास। दोस्तों a टू l प्लस m अपॉन m ये ऐसी रहा 0 टू 1, u टू दर l माइनस 1, ये जो 1 माइनस यू टू दर m था इसको हम m प्लस 1 माइनस 1 लिख देते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूँ ये ज़रा समझें, मेरे पास मैं यहीं पर लिख देता हूँ, अब देखिएगा मैं हटा दूंगा यहाँ से, ये ऐसे लिखता हूँ मैं, ये जगह है बीटा एम एन जो होता है वो 0 टू 1 एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स, इफ़ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ बीटा। मैं इसको भी साफ करके लिख सकता था बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी यहाँ पर तो बीटा एम एन से काम चल गया हमारा। तो अब देखिए, तो एक्स टू दर एक्स की जगह तो आपका यू है और एम की जगह एल है, तो बीटा एल, अब n की जगह ये जो पूरा का पूरा ये n है, इसी वजह से हमने m प्लस 1 माइनस 1 किया, तो ये n है, तो बीटा l m प्लस 1। दोस्तों मैं अभी मुझे साफ़ करना पड़ेगा, एक रिलेशन और मुझे याद आ रहा है, मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि हमें ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये भी हटा सकते हैं अब तो यूज्ड है, इसमें क्या पढ़ चुके हम। एक रिलेशन और है, बीटा और गामा में एक रिलेशन होता है, बीटा एल एम या एम एन जो होता है हमारे पास वो वैल्यू गामा एम गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन होता है, हमने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर, और ये भी हटा देते हैं, ये जो था इसको यहाँ लिख देते हैं, बीटा एम एन यदि हमें लेना हो तो ये फार्मूला होता है 0 टू 1, ये भी बीटा एम एन है, रिलेशन है, और ये डेफिनेशन है, दिस वन 1 माइनस एक्स टू दर एन माइनस 1 डी एक्स, ये है। तो यहाँ पर हमने बीटा एल एम लिखा था, पर इसको इससे बीटा एल एम प्लस 1 था, इसको गामा रिलेशन से लिखा, गामा एल गामा एम प्लस 1 ओवर एल प्लस एम एम प्लस 1, ए टू एल प्लस एम अपॉन एम था। अब देखिए दोस्तों एक और फॉर्मूला यूज़ हुआ, वो ये है कि गामा एम प्लस 1 जो होता है वो एम गामा एम होता है, ये सब आपने गामा फंक्शन में पढ़ रखा है। तो ये एम गामा एम होता है, तो जब हम एम गामा एम लिखेंगे तो एम से एम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचा गामा एल ये रहा, गामा एम ये रहा, गामा एल प्लस एम प्लस 1 ये रहा, और ये टू दर, यही हमें प्रूव करना था, मैंने साफ़ कर दिया, बट आप देख सकते हैं इसे पीछे करके कि यही हमें प्रूव करना था, गामा एल प्लस एम प्लस 1 ये वैल्यूज इनटू गामा एम भी है और ए टू एल प्लस एम था। दोस्तों ये तो रहा हमारा फर्स्ट जो बी था हमारा, अब बी पार्ट पर आते हैं, बी लिख रखा है मैंने प्रूव दैट दिस वन, अब इसके लिए वर्क करेंगे हम। अब ये थ्री वेरिएबल का है, बहुत ईजी है, इसी का यूज़ होगा और जल्दी से हम कर लेते हैं। बी, वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस और इक्वल टू 1, इट इज़ गिवेन। क्या करते हैं, वाई प्लस जेड दो वेरिएबल में रहने देते हैं, इसको इधर लिया है 1 माइनस एक्स और इसको थोड़ी देर के लिए हमने एज्यूम कर लिया ए। जब भी हम लिमिट लेंगे तीन की वेरिएबल है, पहली बार लें तो देखिए एक्स और वाई और जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव थे, तो इस वजह से या नॉन नेगेटिव थे, तो जीरो से स्टार्ट होगा। जब हम इसके लिए जेड के लिए लेंगे तो जेड इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब जब जेड ले चुके हैं तो वाई एक्स, ये एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू 1 रहेगा, तो वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स, और अब हम एक्स के लिए लेंगे तो वाई और जेड ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो जीरो होगा तो 1 होगा। तो इस तरीके से हमने ये लिमिट ली है, बट दोस्तों हमने 1 माइनस एक्स को इतने को हमने ए लिया है, तो यहाँ आपकी जो वैल्यू आई वो कितने को लिया, हाँ ये हमने लिया है इसको 1 माइनस एक्स को ए लिया है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी हमारे ये 1 माइनस ए ये हुआ और 0 टू ए, ये देखना पड़ेगा हमें कि ये ए माइनस वाई होना चाहिए, इट शुड बी ए माइनस वाई, यदि हम इसे लें 1 माइनस एक्स माइनस वाई, आप भी देख सकते हैं इसको हम कितना ले सकते हैं, ज़रा एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा इसमें कि क्या होगा, ये हमारा ये 1 माइनस ए ही होगा, वन माइनस एक्स को दिस इज ए माइनस वाई,
लेकिन अभी हमने ये जो सॉल्व किया था ये 0 to 1 था और 1 माइनस यू था, तो दिस वन दिस इज लेट मी चेक, है ना, चेक कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, वैसे तो दिक्कत रह जाती है नहीं तो इसमें। ये तो हमें a माइनस वाई ही लेना चाहिए ना, हाँ ये a माइनस वाई ले लें, दिस इट शुड नॉट बी दिस वन a माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये और ये 1 माइनस एक्स ए ही था, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 0 टू a एंड 0 टू a माइनस वाई एंड y टू दर m माइनस वन, z टू दर n माइनस वन, dy dz। इस वैल्यू को हमने देखिए आप इसमें, इस वैल्यू को हमने पिछले वाले वैल्यू से, जो हमारा पिछला वाला z था उससे गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1 लिख लिया इनटू a टू दी आर m प्लस n। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ a माइनस वाई था, दैट इट ये वैल्यू किसकी है, x की, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ऐसे समझें आप। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू a था, यहाँ भी यही बात थी जो इससे पहले वाला था, x प्लस वाई इज इक्वल टू a ही था, तो उसके लिए हमने ये रिजल्ट लिख लिया और x टू दर l माइनस 1 ऐसे ही रहा। ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, इनको अब हम बाहर रखेंगे, ये रख लिया हमने, और x टू दर l माइनस 1 और a फिर वापस लेके आइए, a हमारा 1 माइनस x ही था, तो 1 माइनस x टू दर m प्लस n dx। ओके दोस्तों, अब हमारे पास ये रिजल्ट है और इसको फिर से हम प्लस 1 एंड माइनस 1 करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, बीटा गामा रिलेशन निकालने के लिए। तो हमने लिखा बीटा एल ये, और इस वाले से जो हमारी ये वैल्यू है इससे, ये देखें आप यहाँ से, तो m की जगह l है और n की जगह m प्लस n प्लस 1, तो बीटा एल m प्लस n प्लस 1 फॉर्मूला। फिर बीटा और गामा में रिलेशन, तो गामा l गामा n की जगह गामा m प्लस n प्लस 1 ओवर दीज टू सम, l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये और ये कैंसिल होके गामा m गामा n गामा एल, सो गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। तो थोड़ी दिक्कत मुझे यहाँ लगी, मुझे लगा कि गलत नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये यहाँ गलत लिख गया था, वो वन माइनस वाई, इट शुड बी ए माइनस वाई क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए था। तो दोस्तों ये था, वैसे मुझे लगता है कि प्रूफ की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमारा सॉल्व हो रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले का, यदि इस फॉर्म में आएगा और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस और इक्वल टू वन होगा, तो हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल ये है। उससे पहले 2 वेरिएबल का था, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, n वेरिएबल के लिए सब के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल है, बट मेनली हम देखते हैं तो 3 वेरिएबल की बात आती है, 3 वेरिएबल के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस तरीके के होने चाहिए। चलिए दोस्तों, हमने एग्जांपल लिख लिया है, एग्जांपल के बारे में डिस्कस करना है। अभी हमने बताया कि किस तरीके का प्रूफ था, प्रूफ 2 वेरिएबल के लिए भी था और 1 वेरिएबल 3 वेरिएबल के लिए भी था। आइए एग्जांपल किस तरीके का हो सकता है उसे सीखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, द प्लेन, देखो मैं आपसे यहाँ बात बता दूँ, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको वॉल्यूम और मास भी निकालने के लिए आ सकता है, या वो ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आ सकता है, और इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग रखना, यदि आपने एक जगह मिक्स करने की कोशिश की तो वो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपको एक साथ रख रहा हूँ, एक बोर्ड पर एक ही टाइम में बताना चाहता हूँ। उसमें क्या है, द प्लेन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1 इज गिवन, मीट्स द एक्सिस इन ए बी एंड सी, अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल, नेम से आया हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, पहचान करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी, दिस इज Also find its mass if density at any point is kxyz. Density दे रखी है, मास भी निकलवाया और वॉल्यूम भी निकलवाया, दोनों एक ही क्वेश्चन में है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये तो इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वी हैव द प्लेन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1, और हमको ये लीनियर फॉर्म में तो दिया है, बट इसको इस फॉर्म में होना चाहिए, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको एक्स अपॉन ए को यू, y अपॉन बी को v और z अपॉन सी को w ले लेते हैं। तो देखिए, जब x अपॉन a को u लिया तो x इक्वल टू ए यू डी एक्स ए डी यू, वाई अपॉन बी वी लिया तो y इक्वल्स टू बी वी डी वाई इक्वल्स टू बी डी वी, जेड इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, देन जेड ओवर सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो जेड इज इक्वल टू सी डब्ल्यू डी जेड सी डब्ल्यू होगा, यू वी डब्ल्यू नॉन नेगेटिव एंड u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, और लेसर इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। वी नो द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल, वी नो द वॉल्यूम विल बी द ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, आप जानते हैं एक्स वाई जेड, और यदि हम स्मॉल वैल्यूज ले रहे हैं तो डी एक्स डी वाई डी जेड एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो लिमिट जो होती है। तो यहाँ पर लिमिट और इंटीग्रेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगाना है तो डिरिचलेट इंटीग्रल, कैसे लगाना वो देखते हैं।
आप dx को पुट करो dy को dz को, आप जानते हैं कि dx adu, dy bdv और dz cw हमने रखा, adu bdv cw, abc कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो, हमने ये लिख लिया abc du vdv dw। दोस्तों एक काम करना पड़ेगा हमें, क्या हम इसको ऐसे कुछ लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, u टू दर 0, v टू दर 0, w टू दर 0, क्योंकि u टू दर 1 माइनस 1, v टू दर, क्योंकि ये g टू दर 0 1 है, v टू दर 0 1 है, w टू दर 0 1 है, इस 0 को हम लिख रहे हैं u टू दर 1 माइनस 1, v टू दर w 1 माइनस 1 एंड w टू दी पावर 1 माइनस 1। आप समझ लीजिएगा कि हम क्यों ऐसा लिखना चाहते हैं, हम इसलिए लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें डिरिचले इंटीग्रल अप्लाई करना है और डिरिचले इंटीग्रल की जो फॉर्म होती है वो होता है ट्रिपल इंटीगल x टू एल माइनस 1, y टू एल माइनस 1, z टू एल माइनस 1 dx dy dz इक्वल्स टू गामा l गामा m गामा n ओवर गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो उसको अप्लाई करने के लिए हमने ये किया है। अब देखिए हम यही फॉर्म जो हम डिरिचले इंटीग्रल की बात करते हैं, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, और वो डिरिचले इंटीगल जो होता है हमारा वो क्या था, x टू दर, तो x में नहीं लिख रहा, मैं u में लिखता हूँ क्योंकि अब u में वर्क कर रहा है, v टू दर m माइनस 1, w टू दर n माइनस 1, du dv dw विल बी गामा l गामा m गामा n ओवर गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। दिस इज, तो देखिए l 1 m 1 n 1, तो गामा 1 गामा 1 गामा 1 ओवर गामा 1 गामा 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 4 हुआ, गामा 1 हमेशा 1 होता है, ये फैक्टोरियल 1 4 है, तो फैक्टोरियल यदि गामा n होता है तो फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, तो हमने लिखा फैक्टोरियल n माइनस 1, दिस इज फैक्टोरियल 3, तो ए बी सी अपॉन फैक्टोरियल 3 इज 6, तो ए बी सी अपॉन 6 ये आपकी वैल्यू आ गई, वॉल्यूम आया आपका ए बी सी बाई 6 का, इंटीग्रेशन नहीं हुआ और वॉल्यूम आ गया, देख लीजिए ट्रिपल इंटीग्रल आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी काम हमारा बाकी है, हमें मास निकालना है, आप जानते हैं मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो जब भी हम यहाँ लिखेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यदि लिखें तो मास ये होगा आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड, ये फार्मूला होना है, भले ही आपने जो भी वैल्यू निकाल ली आप ये मत करना कि वॉल्यूम जो तो आई गया और डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर डेंसिटी भी वेरिएबल में है के एक्स वाई जेड, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इंटीग्रेशन की बात आएगी तो हमें फिर से डिरिचले लगाना है कि आउटसाइड आया एक्स की वैल्यू, आप देखिए यहाँ पर देखें जो एक्स था वो ये ए यू था, वाई बी वी है और जेड सी डब्ल्यू है, तो हमने यहाँ पर ये ए यू बी वी सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड की जगह रखा, डी एक्स वही ए डी यू फिर बी डी वी सी डब्ल्यू ये रख दिया है, ए बी सी एंड ए बी सी ये आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, के पहले से कॉन्स्टेंट था बाहर था, यू वी डब्ल्यू आप जानते हैं ये यू टू दर 1, ये वी टू दर 1, ये डब्ल्यू टू दी पावर 1, क्या इस 1 को इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 माइनस 1 वी 2 माइनस 1 W 2 माइनस 1। तो अब डिरिचले इंटीग्रल फिर से लगाया जा रहा है, डिरिचले इंटीग्रल आपको पता है गामा L गामा M गामा N, गामा L 2 गामा M 2 गामा N 2, तो गामा 2 गामा 2 गामा 2 ओवर गामा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 गामा L प्लस M प्लस N प्लस 1, तो गामा 7, गामा 7 को फैक्टोरियल 6 में लिखा जा सकता है और फैक्टोरियल 2 ऑलवेज 1, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 1 गामा 1, तो वो भी 1 ही आ जाएगा, तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर ये फैक्टो गामा 7 है, ध्यान रखिएगा गामा 7 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपका मास आ गया। तो ये था आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें वॉल्यूम और डेंसिटी फाइंड आउट कराई गई थी, होप आपको ये बात समझ आ गई अभी, बट हमारा काम अधूरा रहता है, आइए दूसरे क्वेश्चन पर तेजी से चलते हैं। उसने कहा इवेल्युएट आई इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल एक्स टू एल माइनस 1, वाई टू एम माइनस 1, जेड टू एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड। दोस्तों यही तो था डिरिचले इंटीग्रल, इसकी की लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू क्या होती, गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, लेकिन दिक्कत एक है कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस और इक्वल 1 नहीं दिया है, यहाँ पर इन्होंने जो दिया है वो स्फीयर दिया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 होता तो ये डायरेक्ट आपका यूज़ में आ गया होता, अब यदि ये नहीं दिया है तो हमें इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क वही एक्स स्क्वायर को यू वाई स्क्वायर को वी जेड स्क्वायर को डब्ल्यू, तो एक्स स्क्वायर यदि यू है तो एक्स निकालिए वो यू टू दी पावर हाफ या अंडर रूट यू होगा, यदि डी एक्स सॉल्व करें तो इसे यू टू दी पावर हाफ भी लिख सकते हैं, वैसे तो एक ही बात है बट ओके, तो हाफ यू टू दर हाफ माइनस 1 डी यू ये डी एक्स आ गया, वाई स्क्वायर वी लिया तो वाई अंडर रूट वी डी वाई हाफ वी टू दर हाफ माइनस 1, मेरा ऐसा मानना है आप हाफ माइनस 1 को माइनस हाफ लिख सकते थे लेकिन मत लिखिएगा क्योंकि इससे आपको थोड़ा टिपिकली होगा वर्क, ईजी नहीं होगा, तो इसलिए आप थोड़ा रुकिएगा पेशेंस रखिएगा।
जेड स्क्वायर डब्ल्यू, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू, डी जेड हाफ डब्ल्यू टू देयर हाफ माइनस वन डी डब्ल्यू, वो सब वैल्यूज रख ली। अब आप समझिए ये यू था, ये वी था, ये डब्ल्यू, तो ये आया और यू वी डब्ल्यू सारे के सारे नॉन नेगेटिव। ओके नाउ आई कितना था, एक्स टू देयर एल माइनस वन, एक्स इज अंडर रूट यू, वाई इज अंडर रूट वी एंड जेड इज अंडर रूट डब्ल्यू, तो इनको यू टू देयर हाफ, वी टू देयर हाफ, डब्ल्यू टू देयर हाफ, एन एंड माइनस वन, ये एल माइनस वन, ये एम माइनस वन, क्यों एक्स की पावर, वाई की पावर, जेड की पावर दे रखा था, ये डी एक्स का डी एस की जगह रखा गया, ये वैल्यूज डी वाई की जगह और ये वैल्यू डी जेड की जगह रखे गए। आपको पता है ये दे रखे सारी वैल्यूज, ये सब हमने पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद आइए देखिए, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, तो वन बाई एट आउटसाइड, बट लेकिन ये देखिएगा कि ये क्या हुआ है, ये कहाँ से आया है। यदि आपने एक समझ लिया तो सिमेट्रिकल सारी वैल्यूज आ जाएंगे। अब मुझे लगता है कि यहाँ आपको दिखाई जरूर पड़ रहा होगा, मेरी हेल्प करिएगा, यहाँ पर u टू दी पावर कितना है, l माइनस वन अपॉन टू, अब देख लीजिएगा l माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ पर u की कितनी पावर है, हाफ माइनस वन, तो मैं इसे हाफ माइनस वन लिखता हूँ क्योंकि यू की पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हुआ एल अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन, ये इससे कैंसिल होके क्या रहेगा, सिर्फ यू टू दी पावर एल अपॉन टू माइनस वन। और ये एल अपॉन टू, यदि हम एल की बात कर रहे हैं तो ये एल में था तो हम एल में ही ले लेते हैं, ये मैंने अल्फा लिखा है, कोई बात नहीं, दिस इज़ एल, ये दिस इज़ एम एंड दिस इज़ एन, ऐसे रहने देते हैं, ये एल अपॉन टू, ये एम अपॉन टू एंड एन अपॉन टू, ये एल, दिस इज एम और दिस इज एन अपॉन टू, तो ये एल में था हमारा, यदि अल्फा में होता तो अल्फा में हम सॉल्व कर रहे होते, ये एल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऐसा याद रहा कि अल्फा में है ये क्वेश्चन, तो इस वजह से मैं लिख गया। तो ये यू टू दर एल बाई टू माइनस वन, सेम वी के लिए भी वही होगा, डब्ल्यू के लिए भी उसी फॉर्म में आएगा, तो इस वजह से हमने एक को सॉल्व कर लिया था। अब फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर ये जो ये कम कर रहा है, एल का काम कर रहा है, ये एम का काम कर रहा है और ये एन का काम कर रहा है, डिरिचले इंटीग्रल लगाते हैं, डिरिचले इंटीग्रल ये लिखा हुआ, गामा एल, तो गामा एल बाई टू, गामा एम बाई टू है, ये गामा एन बाई टू ओवर एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, तो एल की जगह एल बाई टू, या एम बाई टू, या एन बाई टू प्लस वन, वन बाई एट आउटसाइड ही था, तो ये आपका इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम और मास निकाले थे और इसमें हमने उस इंटीग्रल को सॉल्व किया है। इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमको इसकी कंडीशन का विशेष ध्यान रखा है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, इसको चेंज करना है, यू वी डब्ल्यू में चेंज करने के बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और यदि वॉल्यूम निकालना है तो जो दिया होगा उसको भी हमें यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस और इक्वल वन की फॉर्म में ही लाना होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड अप्लाई होगा। तो शायद मुझे लगता है कि अब आपको कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गई है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी आपको एक वीडियो की और रिक्वायर्ड है, और वो रिक्वायरमेंट जितनी भी है उसमें तीन या चार या दो क्वेश्चन जो भी हो जाएंगे तो उससे आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। तो इतने आप इसको देखिएगा, इनके क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम दो तीन क्वेश्चन डिरिचले इंटीग्रल के ही करेंगे, उसको जरूर देखिएगा, उसको मत भूलिएगा, क्योंकि कंसेप्ट तभी पूरी होगी। मैं सोचता हूँ कि और टिपिकल टाइप के यदि क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर बेस्ड, तो उस वीडियो में लेंगे। थैंक यू।